भारत में लोगों की लापरवाही को लेकर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट 11 राज्यों में फैल चुका है। बुधवार को ओमिक्रॉन के केरला में 4, महाराष्ट्र में 4, तेलंगाना में 2 और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 1-1 नए मरीजों के साथ एक दिन में कुल 12 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश में कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 73 हो गई है। भारत में बुधवार को 7,974 नए कोरोना वायरस मामले सामने आए हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 87,245 हो गई है। वहीं बात करें उत्तराखंड की तो जिले में अभी कोरोना संक्रमण के 7 मामले सक्रिय हैं। इसमें से 3 ओमिक्रॉन लक्षण वाले स्वाब सैंपल लेकर जाँच के लिए देहरादून भेजे गए हैं। संक्रमितों की आइसोलेट कर उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि मरीजों का विदेश से कोई संबंध नहीं है। बताया जा रहा है 15 दिनों में जांच रिपोर्ट आएगी, तब तक मरीजों को निगरानी में रखा गया है।